हम डीएक्स ग्रुप में मल्टीपल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। डीएक्स ड्रीम नेक्स्ट के बारे में बात करूंगा और काफी अच्छा ये डीएक्स वाला इनका एक नाम है और डीएक्स की जो सबसे बेहतरीन चीज है ड्रीम नेक्स्ट इस्लाम स्ट्रीट बहुत ही ऑथेंटिक बिल्डर है। हाँ, डीएक्स बिल्डर बहरिया टाउन कराची के अंदर ऐसा बिल्डर है। डीएक्स वालों का ड्रीम नेक्स्ट या डीएक्स स्ट्रीट टावर है। डीएक्स ग्रुप जो है वो बेसिकली इट स्टार्टेड डीएक्स रिलेटेड हमारे क्लाइंट का अच्छा व्यूज रहा है। डीएक्स में बुकिंग करवाइए और अपने फ्यूचर को मेजर कीजिए। DX बिल्डर के हवाले से DX बिल्डर और मेरी सारी बेस्ट विशेज इनके साथ हैं। अच्छी तमन्नाएं, गुड लक DX। अस्सलाम वालेकुम, हम DX ग्रुप में मल्टीपल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं जिसमें ना सिर्फ रियल एस्टेट आती है, कंस्ट्रक्शन आते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज आते हैं, कस्टमर सर्विसेज आते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम लोग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज को भी ऑफर कर रहे हैं। हम लोग पाकिस्तान की ब्यूटी को लोगों तक पहुँचाने के लिए, दुनिया में इसको एक्सपोज करने के लिए होटल एंड सर्विसेज एंड टूरिज्म पे भी काम कर रहे हैं। हम लोग न्यू जनरेशन को मोटिवेशन के लिए और उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको एक ट्रैक पे लाने के लिए हम लोग मोटिवेशनल काम भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग यूथ पार्लियामेंट के एज ए पैटर्न भी काम कर रहे हैं। सो ये एक कलेक्टिव काम है जिसमें हम लोग ना सिर्फ अपनी मुल्क में एक अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं बल्कि अपने यूथ के लिए भी भरपूर काम। मैं यहाँ बहरिया टाउन में तकरीबन 5 साल से PPL वालों के साथ काम कर रहा हूँ और इसके थ्रू मेरे मुलाकात माशाल्लाह ये सेफ बाय सिक्योरिटी जो DX वाले हैं, तो फिर मैंने इनके यहाँ पे DX के अंदर UBN ऑफिस बन रहा था, तो मैंने मेरे एक दोस्त हैं तारिक साहब, उन्होंने हम दोनों ने मिलके DX के अंदर ऑफिस बुक कराया। लेकिन जो हमने इनकी कारकर्दगी देखी और जो इनका काम हमने देखा उससे हम बहुत मुतमईन हुए और बहुत अच्छा और बहुत सफाई से काम ये लोग करते हैं स्पीड से। फिर उसका मैं इनका DX स्मार्ट से कुछ बन रहा था 10A की चौरंगी पे, तो वहाँ पे भी मैंने माशाल्लाह एक फ्लैट बुक कराया था। तो देखते ही देखते उसका 8वां माला आज डली है, मैं अपने आँखों से रोजाना जाते आते देखता हूँ उसको। और इसके बाद इनका एक 11A के उसके अंदर बन रहा है, तो इनकी सबसे अच्छी सर्विस इनका ये है कि जैसे मेरी वाइफ जाते हैं वहाँ परेशान हो रही है कि मुझे मर्दों को आके इनके सामने बैठना पड़ेगा, लेकिन इनका माशाल्लाह सिस्टम ऐसा रहा कि औरतों को औरतों डील करती हैं, जिससे घर वाले बहुत मुतमईन हुए कि अल्लाह का शुक्र है कि सैफ भाई ने DX वालों ने ये सिस्टम अच्छा बनाया है कि कोई लेडीज़ अगर आती है तो उसको सिर्फ औरतें डील करती है, कोई मर्द बीच में नहीं आता बिल्कुल भी। और जिस तरह इन लोगों ने माशाल्लाह सैफ भाई के ऑफिस में हमको सर्विस दी, और मज़े की बात यह कि हम लोग भी सऊदीया में रहते हैं और जो वो डील करने वाली लेडीज़ थी वो दोनों वो भी सऊदीया में रहती थी, तो माशाल्लाह सब अरबी में आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे और बहुत अच्छा इनका डील रहा, बहुत मुतमईन हुई। उसका मेरी वाइफ भी बहुत खुश थी, गाड़ी में कहेंगे अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत रिलैक्स होकर यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि हमें बहुत घबराहट होती है मर्दों से बात करते हुए। फिर खास तौर पे मैंने सैफ भाई को फ़ोन करके मेरी वाइफ ने भी उनका शुक्र अदा करा सैफ भाई का, और मैंने भी कहा सैफ भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा आपकी सर्विस और इनसे इनका काम बहुत अच्छा है और इनके जो हिसाब किताब ना, क्योंकि यहाँ पे कई बिल्डर ऐसे हैं जिनसे मेरा पाला पड़ा और मैंने काफ़ी उनसे परेशानी हुई, जो कहते कुछ है करते कुछ है। उन्होंने कई लोगों ने तो बिल्डिंगें तैयार कर दी है लेकिन अंदर से कुछ भी काम नहीं है, अंदर से ज़ीरो है, बस उन्होंने बाहर से बिल्डिंग तैयार करके लोगों को चाबियाँ दे दी, फंक्शन कर दिया कि हमने ये लोगों को बिल्डिंग हैंड ओवर कर दिए, ना वहाँ पर अभी तक लिफ्टें लगी, ना वहाँ पर अभी तक कोई काम हुआ, कुछ भी नहीं, बस एक वो था कहना। लेकिन इनके अंदर बाहर दोनों एक साथ काम हो रहे हैं DX के अंदर, मैंने खुद जाके मैं डेली देखता हूँ, तो जो अंदर भी काम हो रहा है बाहर भी काम हो रहा है, यानी दोनों जगह ये लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला इनसे बहुत मुतमईन है। और ये काफ़ी अच्छा ये DX वाला इनका एक नाम है और ये माशाल्लाह सैफ भाई ये बहुत अच्छा ये हमें काम करके दे रहे हैं। जी हाँ व्यूवर्स, मेरे साथ मौजूद हैं राना अदनान मुदसर, सेल्स पार्टनर भी हैं DX के साथ। आज इनसे डिस्कस करेंगे कि इनका DX के साथ सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। DX बिल्डर्स के साथ आपकी सेल्स पार्टनरशिप भी है, बहुत कम टाइम फ्रेम के अंदर ज़्यादा काम करके दिखाने वाला ये बिल्डर, क्या सजेशन देंगे आप अपने क्लाइंट्स को इस हवाले से? अच्छा देखिए, हमारे नाज़रीन सुन रहे होते हैं अक्सर मेरी तो वीडियोज़ DX सैफुल्ला भाई के साथ इस्लाम स्ट्रीट पे, मतलब हम लोग ये सारी चीज़ें करते रहते हैं मार्केटिंग में, हमारे व्यूअर्स भी हमारे कस्टमर्स भी कॉमन है, ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो मैं आज बड़े कॉन्फिडेंस से ये चीज़ कहना चाहूँगा, अपने नाज़रीन को मैसेज देना चाहूँगा कि DX इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट एंड ट्रस्टेड बिल्डर इन बहरिया टाउन कराची। बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे छोटे बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो अपनी कमिटमेंट को ऑनर करना जानते हैं, जो अपनी यानी जो अपने कस्टमर्स की इन्वेस्टमेंट को सेफ जोन में पार्क करते हैं और आप लोगों को काम होता हुआ दिखाते हैं, अपनी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों ने शायद पैसे की वजह से अपना नाम बना लिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने काम से अपना काम नाम की वजह से। तो आई बिलीव कि DX वो लोग हैं जिन लोगों ने अपने काम से अपना नाम बनाया हुआ जी, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह ही अदनान भी मैं ये कहता हूँ कि DX का कोई भी प्रोजेक्ट जो आज तक मैंने सेल किया है,
हमें उसकी कंप्लेन नहीं आई, बिल्कुल ठीक है, हमें रीसेल में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, हमें उनकी प्रोग्रेस में कोई सुस्ती नजर नहीं आई, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं और यही वो वजह है कि मैं DX को ओन करता हूँ, उसको बड़ा अपनाइयत के साथ और कस्टमर को हाईली रिकमेंड भी कर रहा हूँ। आपने बहुत सारे क्लाइंट्स की बुकिंग करवाई, अगर जैसे कि समटाइम किसी क्लाइंट की कॉल आती है जिसकी आपने बुकिंग करवाई होती है, तो कभी आपको कॉल अटेंड करते हुए कोई हेजिटेशन तो नहीं हुई, शायद कोई DX के हवाले से इनकी कंप्लेन हो या? नहीं नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं। असल में DX का तो मैं बड़े फ़खर से कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने प्रोजेक्ट हैं और हम हमेशा, ये पहला नहीं मतलब कभी भी DX का जितना भी सफ़र है सैफुल्ला भाई के साथ, हम लोग जब कोई भी प्रोजेक्ट प्लानिंग में होता है तो हमारा 4-5 दोस्तों का ग्रुप है, हम लोग अपनी इन्वेंट्री डिसाइड कर रहे होते हैं और मैं ये भी चीज़ बता रहता हूँ कि सबसे बड़ा शेयर भी मेरा ही होता है, माशाल्लाह, ठीक है, जो और सेल्स टीम मेरे पास बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। PPL की सेल्स में यानी जो इन्वेंट्री हम लोग विन कर रहे होते हैं तो उसमें बड़ा चंक भी मुझे ही मिलता है और फिर हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड हमारी सारी मार्केटिंग होती है। जी बहुत शुक्रिया नान भाई, जजाकल्लाह।